फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। सो गाइस, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, अभी लॉकडाउन चल रहा है, 3 मई तक चलने वाला है। तो आप लोग आई होप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कहीं भी मत निकलें बाहर जब तक कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरत ना पड़े आपकी बाहर जाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके लिए। यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन जिनका ANM के लिए पेपर होने वाला है, अभी रिसेंट में बिहार ANM के लिए पोस्ट निकली है, 600-700 पोस्ट हैं। और साथ ही साथ CHO के एग्ज़ाम होते हैं, स्टाफ नर्स के अलग अलग स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल पर एग्ज़ाम होते हैं। तो सभी क्वेश्चन उनमें आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी लोग चैनल पर नए हैं, वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और GK के लिए मेरा दूसरे चैनल को भी देख सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही अभी तक मैंने जितने गायनेक के वीडियो पब्लिश किए हैं और अदर नर्सिंग के सब्जेक्ट के, वो सभी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। एटलीस्ट आपको 15 से 20 हज़ार NCQs तक इस चैनल के वीडियोस में मिल जाएंगे, क्योंकि इस चैनल पर आपको 400 से लेकर 500 तक वीडियो हैं, जो नर्सिंग के जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनसे रिलेटेड वीडियो बनाए हुए हैं मैंने। चलिए देखते हैं आज के इस जो वीडियो में क्वेश्चन हैं, जो कितने आपको अच्छे लगते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ओवम इज कॉल्ड। तो जो प्रोसेस होती है मैच्योर ओवम के डेवलपमेंट की, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है ओजेनेसिस। नेक्स्ट इज अबॉर्शन विच इज रिलेटेड विद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस एंड इट्स कंटेंट इज कॉल्ड। तो एक अबॉर्शन की, जो अबॉर्शन होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उस टाइप का अबॉर्शन आपको बताना है कि जो इन्फेक्शन भी हो सकता है यूट्रस में जो कंटेंट है उसके कारण, यदि पूरा कंटेंट बाहर नहीं आया जिसके कारण इन्फेक्शन हो सकता है, तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सेप्टिक अबॉर्शन। नेक्स्ट इज अबाउट 3% ऑफ लाइव बॉर्न बेबी हैव अ मेजर चांस ऑफ। तो इंडिया में 3% बेबीज के लाइव बॉर्न जो बेबीज होते हैं आफ्टर डिलीवरी, उनमें बर्थ डिफेक्ट होने के चांसेस 3% तक होते हैं। नेक्स्ट इज एट टर्म फीटस अप्रॉक्सीमेटली 25% ऑफ इट्स टाइम इन क्वाइट स्लीप स्टेट एंड 70% इन एक्टिव स्लीप स्टेट। तो टर्म फीटस होते हैं 36 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के, तो जो उनकी स्लीपिंग पैटर्न है, आप कभी एग्जाम में आपको आ जाए, तो 25% टाइम तक वो क्वाइट स्लीप में रहते हैं, क्वाइट स्लीप स्टेट में, और जो बाकी की 70% है वो एक्टिव स्लीप स्टेट में रहते हैं। नेक्स्ट ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो जो प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया है 12 वीक को लेके, तो यहाँ पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन है वो कितना होता है? वो होता है 12 वीक, 0 to 12 वीक। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर का ड्यूरेशन कितना होता है? वो होता है 16 वीक, 13 वीक से लेके 28 वीक तक। उसके बाद का जो 28 वीक के बाद का पीरियड होता है वो किस में आता है? थर्ड ट्राइमेस्टर में। नेक्स्ट इज द सिम्टम ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इंक्लूड्स। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? एमनेरिया, मॉर्निंग सिकनेस, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। तो ये क्या है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के बेसिक सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट इज परसेप्शन ऑफ एक्टिव फीटल मूवमेंट बाय द प्रेग्नेंट वूमेन इज नोन एज। तो ये बहुत ही गायनेक का ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में आता है नर्सिंग के, चाहे वो ANM का हो, BSc लेवल का हो, GNM लेवल का, या फिर सेंट्रल लेवल का। तो जब एक्टिव फीटल मूवमेंट को फील करती है कोई प्रेगनेंट लेडी, तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्विकनिंग। नेक्स्ट इज क्विकनिंग इज फेल्ट अबाउट। तो क्विकनिंग कब फील होने लगती है? तो ये होती है 18 से 20 वीक की प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट इज क्विकनिंग इज फेल्ट लिटिल अर्लियर बाय द मल्टी ग्रेविडा इन कंपेरिजन टू। तो जो क्विकनिंग है, जो फर्स्ट फीटल एक्टिव फीटल मूवमेंट फील होता है मदर के लिए 18 से 20 वीक की प्रेगनेंसी में, मल्टी ग्रेविडा में कुछ टाइम पहले फील होने लगता है जो प्रीमी ग्रेविडा है उनके कंपेरिजन में। नेक्स्ट इज फीटल हार्ट साउंड इज़ द मोस्ट कंक्लूसिव क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मोस्ट एक्यूरेट मैनिफेस्टेशन क्या माना जाएगा प्रेगनेंसी के लिए? जब फीटल हार्ट साउंड सुनाई दे। नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मैटरनल स्पाइन और सेंट्रलाइज यूट्रस इज स्टैंडर्ड टू लाई। मीन्स जो लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस है उसका लॉन्ग एक्सिस ऑफ मैटरनल स्पाइन से जो कनेक्शन देखने को मिलेगा, रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, वो क्या कहलाता है? लाई।
नेक्स्ट इज विच लाई इज द मोस्ट कॉमनेस्ट लाई. द मोस्ट कॉमन लाई है जो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लाई. नेक्स्ट इज द पार्ट ऑफ द ग्रोइंग फीटस विच ऑक्यूपाइज द लोअर पोल ऑफ द यूटरस इट्स टर्म्ड एज. तो प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस है यहाँ पर कि जो फीटस का प्रेजेंटेशन है वो किस तरीके से होगा. तो पार्ट ऑफ द ग्रोइंग फीटस, जो ग्रोइंग फीटस है वो लोअर पोल में होगा यूटरस की तरफ, तो उसको क्या कहलाया जाएगा, प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस. नेक्स्ट इज इनसेफेलिक प्रेजेंटेशन मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द फीटल हार्ट साउंड इज बिलो द. तो सेफेलिक प्रेजेंटेशन में जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी फीटल हार्ट साउंड सुनने की तो कहाँ पर देखने को मिलेगी, बिलो द अम्बिलिकस. नेक्स्ट इज इन न्यू बॉर्न वाइड गैप इज द सूचर इट्स टर्म्ड एज. तो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके सूचर में वाइड गैप देखने को मिलता है तो क्या कहलाते हैं, कहलाते हैं फॉन्टेनल. दो टाइप के होते हैं, एक एंटीरियर और दूसरा पोस्टीरियर. व्हाट इज द आउटर फीटल मेम्ब्रेन. तो जो प्लेसेंटा में दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक तो कोरियन एक होती है एमनियन. तो आउटर फीटल मेम्ब्रेन क्या हुआ, कोरियन. देखिए यहाँ पर इस इमेज से आपको इजीली समझ में आ जाएगा. आउटर मेम्ब्रेन इज द कोरियन एंड इनर मेम्ब्रेन इज द एमनियन. सो इनर फीटल मेम्ब्रेन इज एमनियन. नेक्स्ट इज सिस्टमेटिक एंड पीरियोडिक सुपरविजन ऑफ अ वुमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट्स नोन एज. जब किसी प्रेगनेंट लेडी का सिस्टमेटिक और पीरियोडिक टाइम टू टाइम उसका चेकअप करवाया जाए, सुपरविजन करवाया जाए तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एंटीनेटल केयर. नेक्स्ट इज पार्चरेंट मीन्स वुमेन गिविंग टू बर्थ. नेक्स्ट इज इन डाउन सिंड्रोम अल्फा फीटो प्रोटीन लेवल इज. तो अल्फा फीटो प्रोटीन लेवल है डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, कम होगा, डिक्रीज होगा. बट यदि बात यहाँ पर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की जाती है तो उसमें जो अल्फा फीटो प्रोटीन लेवल है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा. नेक्स्ट इन सप्लीमेंट्री आयरन थेरेपीज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द प्रेगनेंट वुमेन फ्रॉम 16 वीक टू ऑनवर्ड्स. मीन्स जो सप्लीमेंट्री आयरन थेरेपी दी जाती हैं वो प्रेगनेंट वुमेन में 16 वीक से स्टार्ट की जाती हैं तो लास्ट तक चलती हैं. आफ्टर द डिलीवरी के 6 मंथ तक भी किसी किसी को दी जाती हैं. नेक्स्ट इज 1 टेबलेट ऑफ फेरस सल्फेट कंटेंट्स. तो एक फेरस सल्फेट होती है उसमें क्या कंटेंट प्रेजेंट होते हैं, 60 mg ऑफ एलिमेंटल आयरन, 15 mg ऑफ एब्जॉर्बेबल आयरन. तो जो आयरन है जो फेरस सल्फेट टेबलेट में जो आयरन का कंटेंट है वो कितना होता है, 60 mg है जो एलिमेंटल आयरन होता है, बाकी बचा हुआ 15 mg क्या है, एब्जॉर्बेबल आयरन. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर शुड टेक एडिशनल. प्रेगनेंसी के टाइम पर कितनी जो नॉर्मल डाइट लेते हैं उससे एक्स्ट्रा डाइट की ज़रूरत है, तो 300 किलो कैलोरी पर डे. नेक्स्ट इज हाइएस्ट लेवल ऑफ अल्फा फीटो प्रोटीन इन फीटल सीरम एंड एमनियोटिक फ्लूइड इज फाउंड अराउंड 13 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में. जो अल्फा फीटो प्रोटीन का लेवल है जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग परपीरियम मदर शुड टेक एडिशनल डाइट. तो परपीरियम के टाइम पर जो मदर है आफ्टर डिलीवरी कितनी डाइट लेनी चाहिए, तो उस टाइम पर 500 किलो कैलोरी पर डे एक्स्ट्रा लेनी चाहिए. नॉर्मल डाइट लेते हैं उससे 500 किलो कैलोरी पर डे एक्स्ट्रा. नेक्स्ट इज इंक्रीज अल्फा फीटो प्रोटीन लेवल इज फाउंड इन. तो जो डिक्रीज होता है वो किस में देखने को मिलता है, डाउन सिंड्रोम में अल्फा फीटो प्रोटीन के लेवल क्या है, कम देखने को मिलेगा. यदि बढ़े हुए की बात की जा रही है, इंक्रीज की बात की जा रही है, जो NTD होते हैं, ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, मल्टीपल प्रेगनेंसी एंड इंटीरियर एबडोमिनल वॉल डिफेक्ट्स, इन कंडीशन में जो अल्फा फीटो प्रोटीन का लेवल है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा. नेक्स्ट इज ब्रैग्मा एंड कोरोनल सूचर्स आर फाउंड. जो ब्रैग्मा और कोरोनल सूचर हैं एंटीरियरली प्रेजेंट रहेंगे, देखिए यहाँ पर पोस्टीरियर पार्ट में क्या होते हैं, लैम्डा और लैम्डोइड सूचर, देखिए यहाँ पर. नेक्स्ट इज ट्रिपल टेस्ट इज कम्बाइंड बायोकेमिकल टेस्ट विच इंक्लूड्स 3 टेस्ट नेमली. तो ट्रिपल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो उसमें कौन कौन से 3 टेस्ट हैं जो कम्बाइंड रहते हैं, एक तो अल्फा फीटो प्रोटीन, दूसरा HCG एंड थर्ड इज कंजुगेटेड एस्ट्रॉइड. नेक्स्ट लेबर डिफाइंस. लेबर का मतलब क्या होता है, इट इज डिफाइंड अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस टू एक्सपेल द वायबल प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन आउट ऑफ द यूट्रस बाय वजाइना टू कॉल्ड एज लेबर. लेबर मीन्स जो इवेंट होता है जो फीटस के एक्सपेल्ड होने से लेके, मीन्स जो वायबल कॉन्सेप्शन है, जो लाइफ जो कॉन्सेप्शन प्रोडक्ट है उसका बाहर आना बाय द यूट्रस बाय द वजाइना क्या कहलाता है, लेबर. नेक्स्ट इज लेबर एंड डिलीवरी. तो लेबर और डिलीवरी दोनों टर्म में क्या है, डिफरेंट. लेबर में क्या है, कॉन्सेप्ट जो
प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन है वो क्या होता है, वेजाइना के थ्रू ही बाहर आएगा। बट डिलीवरी में क्या होगा, वेजाइना के थ्रू भी जो नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है और इंसीजनल मेड LSCS भी हो सकती है, सिजेरियन सेक्शन, लेबर और जो डिलीवरी में क्या है, दोनों टर्म है जो डिफरेंट है। नेक्स्ट इज नॉर्मल लेबर इज कॉल्ड एज, तो नॉर्मल लेबर को यार क्या कहा जाता है, यूटोकिया। नेक्स्ट इज फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट फ्रॉम ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन एंड एंड्स विथ कंप्लीट डायलटेशन ऑफ सर्विक्स। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है जो कब से स्टार्ट होती है, ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन से, और जब जो फुली डायलटेशन ऑफ सर्विक्स हो जाए, मीन्स 10 सेंटीमीटर है जो सर्विक्स डायलेट हो जाए, तो क्या कंप्लीट हो जाएगी, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कंप्लीट हो जाएगी। और इसका जो ड्यूरेशन कितना होता है, अलग अलग होता है, प्रीमी ग्रेविडा में होता है 12 घंटे, मल्टी ग्रेविडा में 6 to 7 आवर। नेक्स्ट इज पर पीरियम, इट इज़ द पीरियड ऑफ अबाउट 6 वीक आफ्टर चाइल्ड बर्थ ड्यूरिंग द मदर्स रिप्रोडक्ट ऑर्गन रिटर्न टू देयर ओरिजिनल नॉन प्रेगनेंट कंडीशन। तो परपीरियल पीरियड क्या होता है, जब जो प्लेसेंटा बाहर आ जाए उसके बाद से लेकर 42 डेज तक या फिर 6 वीक तक का जो टाइम पीरियड होता है आफ्टर द डिलीवरी के बाद से, तो वो क्या कहलाता है, परपीरियम। और इसमें जो प्रेगनेंसी, जो नॉन प्रेगनेंसी स्टेट में जो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन रहते हैं वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर टाइम पीरियड भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो होता है 6 वीक। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट फीडिंग इज द नेचुरल मेथड ऑफ, ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, नेचुरल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन की। नेक्स्ट इज अ वूमेन हु इज एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग परपीरियल एंड कॉन्ट्रासेप्शन प्रोडक्शन इज अबाउट 95% टू 98% अप टू 6 मंथ ऑफ पोस्टपार्टम। मतलब कोई महिला, कोई लेडीज़ है जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराती है अपने बच्चे को, उसका जो बच्चा है कम्प्लीटली ब्रेस्ट मिल्क है जो पीता है, तो उसके लिए 6 महीने तक है जो ब्रेस्ट फीडिंग है, जो लैक्टेशनल टाइम है, वो 95 से 98% तक एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करेगा। नेक्स्ट इज हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, द सीवियर वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच इज डेंजरस एंड हैज डिटोरियस इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ मदर इज नोन एज हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। तो जो मॉर्निंग सिकनेस होती है, वॉमिटिंग होती है मॉर्निंग टाइम पर जनरली प्रेगनेंसी में, तो सीवियर वॉमिटिंग हो तो प्रेगनेंसी के टाइम पर डेंजरस भी होती है, मदर को बहुत सारे इफेक्ट्स भी कर सकती है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो सकती है, बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं, क्या कहलाता है, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। नेक्स्ट इज सर्वाइकल स्टेज ऑफ लेबर, मीन्स फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज नोन एज द सर्वाइकल स्टेज ऑफ लेबर, और इसमें सर्विक्स से टोटल 10 सेंटीमीटर डायलेट होती है, फुली डायलटेशन। नेक्स्ट इज टर्म्ड अबॉर्शन, अबॉर्शन मीन्स एक्सपल्सन ऑफ एन एम्ब्रियो और फीटस वेटिंग 500 ग्राम और लेस फ्रॉम इट्स मदर व्हेन इट इज अनेबल टू सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, इट्स टर्म्ड एज द अबॉर्शन। मीन्स जो एक्सपल्सन है एम्ब्रियो का या फिर जो फीटस का वेट है वो 500 ग्राम और उससे कम हो और वो जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए इंडिपेंडेंटली सक्षम ना हो, तो क्या कहलाता है, अबॉर्शन। नेक्स्ट है ओलिगोहाइड्रोमनियास, इट इज़ द कंडीशन इन विच अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड लेस देन 200 ml एट टर्म। ओलिगोहाइड्रोमनियास में क्या है, जो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल है वो कितना होता है, लेस देन 200 ml, 200 ml से कम होता है। यदि बात जब पॉलीहाइड्रोमनियास की जाए तो इसमें 2000 ml से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज 10 lunar months और 9 months प्लस 7 days और 280 days। एटीट्यूड ऑफ फीटस मीन्स एटीट्यूड ऑफ द फीटस इज डिफाइंड एज द रिलेशन ऑफ इट्स डिफरेंट पार्ट टू वन अनदर। तो एटीट्यूड ऑफ फीटस मीन्स क्या होता है कि एक पार्ट का दूसरे पार्ट से क्या रिलेशन है, अलग अलग पार्ट से। यूनिवर्सल एटीट्यूड क्या है, तो है फ्लेक्शन। नेक्स्ट ड्यूरिंग ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन इन लेबर पाल्पेशन शुड नॉट बी परफॉर्म। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, फॉल्स लेबर पेन का एक जो साइन है, तो इसमें है जो लेबर के टाइम पर पाल्पेशन नहीं किया जाता। नेक्स्ट लियोपोल्ड फोर्थ मैन्यूवर, इट्स नोन एज द फर्स्ट पेल्विक ग्रिप। नेक्स्ट एंटीरियर फॉन्टेनल, एंटीरियर फॉन्टेनल इज फाउंड बाय जॉइनिंग ऑफ फोर्थ सूचर्स, जो 4 सूचर्स हैं ज्वाइन होते हैं, तो वहाँ पर एंटीरियर फ्रंटल बनेगा। एंटीरियर फ्रंटली पोस्टीरियरली सजाइटल एंड वन आइदर साइड कोरोनल सूचर, दोनों साइड क्या है कि कोरोनल सूचर। एंटीरियर जो फ्रंटल है जनरली 18 मंथ में, जो आफ्टर द बर्थ के 18 मंथ में, 1.5 ईयर में क्या है, क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज माउल्डिंग, इट इज़ द अल्ट्रेशन ऑफ द शेप ऑफ द फोर कमिंग हेड ऑफ द फीटस वाइल पासिंग थ्रू द बर्थ कैनल ड्यूरिंग द लेबर।
लेबर के टाइम पर जो फीटस का हेड है, उसकी जो फीटस का जो हेड है वो अल्टरनेट होते जाए, उसका सेप है जो थोड़ा चेंज होते जाए, वो क्या कहलाएगा? मोल्डिंग। नेक्स्ट है हाइड्रेटिफॉर्म मोल इज एन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ प्लेसेंटा इन विच देयर इज सम डिजनरेटिव एंड सम प्रोलीफरेटिव चेंजेस आर सीन इन कोरियोनिक ब्लाई। हाइड्रेटिफॉर्म ऑफ मोल में जो प्लेसेंटा में कोरियोनिक ब्लाई होती है वहाँ पर कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, डिजनरेटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे, वहाँ पर प्रोलीफेरेटिव सेल्स हैं वो भी देखने को मिलेंगी। तो ये सभी साइंस किसकी तरफ इशारा करते हैं? हाइड्रेटिफॉर्म मोल की तरफ। नेक्स्ट इज वेजाइनल ब्लीडिंग इज द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइड्रेटिफॉर्म मोल। प्रेगनेंसी के टाइम पर जब वेजाइनल ब्लीडिंग हो तो वो किसकी तरफ कॉमन मैनिफेस्टेशन है हाइड्रेटिफॉर्म मोल का? नेक्स्ट इज एपीएच एंटीपार्टम हेमरेज इज डिफाइंड एज द ब्लीडिंग विच अकर्स फ्रॉम और विद इन द प्रोडक्टिव ट्रैक्ट आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी। तो एंटीपार्टम, एंटी मीन्स पहले, एंटीपार्टम हेमरेज मीन्स होता है जब ब्लीडिंग जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के थ्रू 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाए और उसके बाद हो लेकिन बेबी की डिलीवरी के पहले, तो क्या कहलाएगा? एंटीपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट इज क्रोनियोटॉमी इट्स अ सर्जिकल प्रोसीजर विच फीटल हेड इज परफोरेटेड। नेक्स्ट इज बेंटोस इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू असिस्ट प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ बाई क्रिएटिंग अ वैक्यूम बिटवीन इट एंड द फीटल स्कैप। जो वैक्यूम डिलीवरी होती है, आप लोगों ने 3 इडियट्स देखी होगी तो उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यदि आपको मेडिकल उसमें समझ में ना आए इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया है। नेक्स्ट इज ओम्फलाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन इन द अम्बलाइकल। तो अम्बलाइकल सेप्सिस को ओम्फलाइटिस कहा जाता है। नेक्स्ट रिटेंड प्लेसेंटा, रिटेंड मीन्स कुछ छूट गया हो, रिटेंड प्लेसेंटा मीन्स इफ द प्लेसेंटा इज नॉट एक्सपेल्ड आउट इवन 30 मिनट आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी। नॉर्मल डिलीवरी हुई है या फिर डिलीवरी होने के 30 मिनट के अंदर यदि प्लेसेंटा अपने आप बाहर नहीं आता है तो क्या कहलाएगा? रिटेंड प्लेसेंटा। नेक्स्ट इज प्रोलॉन्ग्ड लेबर, प्रोलॉन्ग लेबर मीन्स व्हेन द कंबाइंड ड्यूरेशन ऑफ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर मोर देन 18 आवर्स। जब जो नॉर्मल लेबर का जो ड्यूरेशन होता है फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज का वो 18 घंटे और उससे ज़्यादा हो जाए तो किस में चला जाएगा? प्रोलॉन्ग लेबर में। नेक्स्ट इज डिस्टोकिया मीन्स एबनॉर्मल लेबर। नेक्स्ट इज व्हेन प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस इज अदर देन बायोटिक्स इट्स कॉल्ड द एबनॉर्मल लेबर। तो जब जो फीटस का प्रेजेंटेशन और नॉर्मल प्रेजेंटेशन क्या है? बायोटिक्स से पहले, बट यहाँ पर ही बायोटिक्स ना होकर कुछ और हो जाए तो क्या कहलाएगा? एबनॉर्मल लेबर। नेक्स्ट इज सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट विथ कम्प्लीट डायल्टेशन ऑफ द सर्विक्स एंड कम्प्लीट विथ एक्सपल्सन ऑफ द बेबी। तो फर्स्ट स्टेज में क्या है? जो कम्प्लीटली डायल्टेशन होता है सर्विक्स का, सेकेंड स्टेज में जो बेबी क्या है? एक्सपेल्ड आउट होता है बाय द वजाइना। नेक्स्ट इन एन एनसेफेलिन स्पाइना बायफिडा इंक्लूड 95% ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो एनटीडी होते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होते हैं बच्चों में। तो जनरली इसमें कौन कौन से दो कॉमन है? एक तो स्पाइना बायफिडा और दूसरा है एन एनसेफेलिन। नेक्स्ट इन अ फीटस विथ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हेयर इज एलिवेटेड अल्फा फीटो प्रोटीन। मैंने पहले ही बताया कि अल्फा फीटो प्रोटीन का जो लेवल है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में क्या है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्म फ्रॉम अ स्पर्मेटोगोनिया। तो मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन होना स्पर्मेटोगोनिया के थ्रू क्या कहलाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। और इसमें टोटल 61 डेज का टाइम लगता है। नेक्स्ट इज पोस्टपार्टम हेमरेज मीन्स ब्लीडिंग इज मीन्स जो ब्लीडिंग होती है लॉस ऑफ मोर देन 500 ml ब्लड है जो नॉर्मल डिलीवरी में और 1000 ml ऑफ ब्लड है जो सिजेरियन सेक्शन में होता है विद इन द फर्स्ट 24 आवर ऑफ चाइल्ड बर्थ के टाइम पर। डिलीवरी के बाद जो यदि नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो 500 ml से ज़्यादा और जो इंसीजनल LSCS हुआ हो तो उसमें 1000 ml से ज़्यादा यदि ब्लड लॉस होता है विदिन 24 आवर आफ्टर द चाइल्ड बर्थ तो क्या कहलाएगा? पोस्टपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन कॉज क्या है पोस्टपार्टम हेमरेज का? तो वो एटोनिक यूट्रस। नेक्स्ट इज कॉज ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर, प्रोलॉन्ग लेबर मीन्स जब जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेज का ड्यूरेशन मोर देन 18 आवर्स से ज़्यादा हो जाए तो क्या कहलाता है? प्रोलॉन्ग लेबर। इसका मेन कॉज क्या हो सकता है? फॉल्ट इन पावर, फॉल्ट इन पासेज एंड फॉल्ट इन पैसेंजर। तो फॉल्ट इन पावर मीन्स एबनॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, पावर मीन्स क्या जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं वो सही से और उनकी फ्रिक्वेंसी इंटेंसिटी ठीक नहीं है। नेक्स्ट इज फॉल्ट इन पैसेज मीन्स जो पेल्विक जो वजाइना के थ्रू डिलीवरी होनी है तो जो पैसेज है वो क्या सही नहीं है, फॉल्ट है वहाँ पर किसी भी तरीके का,
कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हो, पेल्विक ट्यूमर हो या फिर सर्वाइकल डिस्टोकिया हो। लास्ट इज फॉल्ट इन द पैसेंजर मीन्स माल प्रेजेंटेशन एंड हाइड्रोसेफेलस। तो पैसेंजर मीन्स जो बेबी है क्या है उसमें, या तो हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन मीन्स हेड की साइज क्या है बड़ी है, माल प्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, तो ओवम है जो ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल है, और स्पर्म क्या है स्मॉलेस्ट। अ फुली मैच्योर ओवम इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट थर्ड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट विद एक्सपल्सन ऑफ फीटस एंड विद द एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। तो स्टार्ट कहाँ से होती है, फीटस एक्सपल्सन से, और एंड कहाँ पर होती है, एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा। तो ड्यूरेशन कितना होता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का, सबसे कम होता है 30 मिनट का, और जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेज की अपेक्षा इसका ड्यूरेशन क्या है, सबसे कम होता है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन, स्पर्मेटो मीटिंग ऑफ द स्पर्मेटोजोआ विथ ओवम इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेबल लाइफ स्पेन ऑफ ऊसाइट अप्रॉक्सीमेटली 12 to 24 आवर। जो ऊसाइट्स हैं उनका जो लाइफ स्पेन टाइम वो कितना होता है, 12 से 24 घंटे, और स्पर्म का कितना होता है, 48 से 72 घंटे। नेक्स्ट इज द शेप ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा, ह्यूमन प्लेसेंटा का जो शेप है वो कैसा होता है, डिस्कॉइड शेप। नेक्स्ट इज द प्लेसेंटा एस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड मदर थ्रू द, जो प्लेसेंटा एक कनेक्शन क्रिएट करता है फीटस और मदर के बीच में, किसके द्वारा करता है, अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा। नेक्स्ट इज द टू अम्बिलिकल आर्टरीज कैरी द इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द फीटस। तो फीटस में दो अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं, इम्प्योर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं फीटस से। नेक्स्ट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ मैच्योर प्लेसेंटा, तो टोटल वॉल्यूम कितना है मैच्योर प्लेसेंटा का, वो 500 ml। फीटल ब्लड फ्लो कितना होता है प्लेसेंटा में, तो होता है 400 ml पर मिनट के हिसाब से। नेक्स्ट इज द ऑक्सीजन सप्लाई टू द फीटस इज एट रेट ऑफ 8 ml पर किलोग्राम पर मिनट। ऑक्सीजन की सप्लाई कितनी होती है फीटस में, 8 ml पर kg पर मिनट के हिसाब से। नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूड एट 20 week ऑफ प्रेगनेंसी इज अबाउट 400 ml एंड 36 to 38 weeks ऑफ प्रेगनेंसी इज अबाउट 100 ml। एमनियोटिक फ्लूड का वॉल्यूम है जो 20 वीक की प्रेगनेंसी में 400 ml होगा, और 36 से 38 वीक की प्रेगनेंसी में 1000 ml मैक्सिमम है जो। नेक्स्ट आता है यहाँ पर ग्रीन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूड इंडिकेट, यदि फ्लूड जो एमनियोटिक फ्लूड का कलर ग्रीन कलर का हो तो किसकी तरफ इशारा करेगा, फीटल डिस्ट्रेस। यदि गोल्डन कलर हो एमनियोटिक फ्लूड तब क्या होगा, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। ग्रीनेस येलो मीन्स एमनियोटिक जो ग्रीनेस येलो कलर का एमनियोटिक फ्लूड हो तो क्या इंडिकेट करेगा, पोस्ट मैच्योरिटी की तरफ। डार्क ब्राउन कलर है तो इंट्रावेनस डेथ की इस तरफ इशारा करेगा, यदि एमनियोटिक फ्लूड का कलर डार्क ब्राउन कलर का तो क्या होगा, इंट्रावेनस डेथ IUD। नेक्स्ट इज द ब्लड प्रेशर इनसाइड द अम्बिलिकल वेन इज अप्रॉक्सीमेटली 20 mm of Hg। तो अम्बिलिकल वेन होती है उसके अंदर का ब्लड प्रेशर कितना होता है, 20 mm of Hg। नेक्स्ट इज बाय द फोर्थ मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ वन अम्बिलिकल वेन डिसअपीयर्स। फोर्थ मंथ तक इंट्रायूट्राइन लाइफ में जो वन अम्बिलिकल वेन है वो अपने आप डिसअपीयर हो जाएगी। नेक्स्ट इज द अम्बिलिकल वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द फीटस। अम्बिलिकल आर्टरी क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं फीटस से, और जो अम्बिलिकल वेन है वो प्लेसेंटा से फीटस तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करवाती हैं। नेक्स्ट इज एट टर्म वेट ऑफ यूट्रस इज अप्रॉक्सीमेटली 1000 ग्राम। टर्म प्रेगनेंसी में यूट्रस का वेट कितना होता है, 1000 ग्राम। नॉन प्रेगनेंसी में कितना होता है, 50 से 60 ग्राम। नेक्स्ट इन एब्डोमिनल प्रेगनेंसी ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट फाउंड। तो जो एब्डोमिनल प्रेगनेंसी है या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो उसमें जो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है नहीं देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट फंक्शनल क्लोजर ऑफ द डक्टस आर्टेरियोसिस मे अकर सून आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन। जैसे ही पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट होता है तो उसके बाद जो डक्टस आर्टेरियोसिस है वो अपने आप बंद होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट एनाटॉमिकल क्लोजर ऑफ फोरमेन ओवल अकर्स एट द 1 year of age। एनाटॉमिकल क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस अकर एट 2 to 3 months of life। मीन्स जो एनाटॉमी फोरामेन ओवल हैं 1 साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं अपने आप से, और जो क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस हैं कब बंद होते हैं, 2 से 3 महीने की लाइफ में। नेक्स्ट ड्यूरेशन सॉरी ड्यूरिंग अ सिंगल टर्न ऑफ प्रेगनेंसी द टोटल वेट गेन इज अप्रॉक्सीमेटली। एक प्रेगनेंसी में यदि आपको सिंगल बच्चा पेट में है तो कितना वेट गेन होगा, 11 kg।
नेक्स्ट इज सेकेंड ग्रिप इज नोन एज इट्स नोन एज द थर्ड मैन्यूवर ऑफ लियोपोल्ड. नेक्स्ट इज इन वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंट स्टेज टोटल ब्लड वॉल्यूम इज अबाउट. तो यदि टर्म की बात की जाए तो टोटल ब्लड वॉल्यूम कितना होगा प्रेगनेंसी की टाइम पर, तो वो होगा 5500 ml. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द. तो प्रेगनेंसी के टाइम पर जो HCG हार्मोन है किससे प्रोड्यूस होता है सिनकोट्रोफोब्लास्ट सेल से. नेक्स्ट इज बाय रेडियो इम्यूनो ऐसे HCG कैन बी डिटेक्टेड इन द मैटरनल सीरम और यूरिन ऑन 8 to 9 days आफ्टर द कॉन्सेप्शन. लास्ट इज इन ह्यूमन जेस्टेशनल एज इज 280 days एंड ओवुलेटरी एज इज 266 days. तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू, बाय बाय.